रफ्तार के राजा चीता की मनाई गई वर्षगांठ कोनो में बना महोत्सव। खबर कराहल से है, जहां पिछले वर्ष आज ही के दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर कराहल पधारकर नामीबिया से लाकर चीतों की सौगात कोनो सेंचुरी में दी थी। तब से ही कराहल तहसील विश्व पटल के पृष्ठ पर आ गई थी। आज कोनो में विदेशी मेहमान चीतों के एक वर्ष पूर्ण हो जाने की उपलब्धि में एक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के तमाम प्रदेश भर के अधिकारी और शिवपुर कलेक्टर पधारे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 50 मोटरसाइकिल कोनो में पदस्थ वन कर्मचारियों की वितरित की गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ने बात करते हुए बताया कि अभी और भी चीते यहां लाए जाएंगे। जल्द ही चीता सफारी शुरू करने वाले हैं। जल्द ही आने जाने वाले पर्यटकों के लिए नज़दीक से रफ्तार के राजा चीता के दीदार हो सकेंगे। चीतों को कहीं और शिफ्ट करने के प्रश्न पूछने पर DGF ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, चीते यहीं रहेंगे। देखिए, 1952 में आधिकारिक रूप से चीता विलुप्त हो गए थे भारतवर्ष से, तो उसके काफ़ी समय बाद भारत सरकार ने प्रयास शुरू किए कि किस प्रकार से चीतों को वापस इस धरती पर लाया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार यह कार्रवाई प्रारंभ हुई और 17 सितंबर 2022 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था, उस पर हम लोग यहाँ पर कोनो की धरती पर चीता को, 8 चीतों को हम लोग रिलीज़ किया। उसके बाद 12 चीते और आए, कुल 20 चीते हम लोग बाहर से लाए हैं। और जहाँ तक एक वर्ष रहा, बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया है। चीते लगभग हमारे इस लैंडस्केप को अडॉप्ट कर चुके हैं। एक उन्होंने जन्म भी दिया, 4 शावक जन्म हुए, जिसमें से एक शावक अभी वर्तमान में हम लोग के साथ है। विपरीत परिस्थितियों, जिस क्योंकि जब बाहर से कोई भी प्राणी किसी नए क्षेत्र में आता है, तो उसे नए नए चैलेंजेस को झेलना पड़ता है, नई नई चुनौतियाँ उसके सामने रहती हैं। उन सब चुनौतियों से लड़ते हुए हमारे कर्मचारियों से, हमारे वैज्ञानिकों से, स्थानीय नागरिकों से और चीता मित्रों के सहयोग के साथ आज हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग हमारे इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुके हैं। एक वर्ष संपूर्ण करने के लिए यहाँ के सभी नागरिकों को और यहाँ के चीता मित्रों को, अपने कर्मचारियों को मैं भारत सरकार की ओर से बधाई देता हूँ। कब बड़े बाड़े में छोड़ दिए जाएंगे चीते? देखिए, बड़े बाड़े में और छोटे बाड़े का ये जो वैज्ञानिक तरीके से हमारे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के लोग हैं, हमारे जो बाहर के विदेशी हमारे एक्सपर्ट्स हैं और जो स्थानीय अधिकारी हैं, ये इस प्रकार से चयन करते रहते हैं कि कहाँ, जैसे अभी बड़े बाड़ों में घास काफ़ी हो गई थी तो उनको अब साफ़ किया गया है, तो एक आध दिन में उसमें आ जाएंगे, फिर उनको खुले में छोड़ा जाएगा। तो ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी जब तक कि उनको पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र में वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाते। पर्यटकों के लिए सर कब इस लुप्त का आनंद उठाया जा सकता है सर? देखिए, ये सब चीज़ें अभी भविष्य के ही गोद में हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एक सफारी और एक यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। तो सफारी जैसे ही शुरू हो जाएगी तो पर्यटक हमारे सफारी में आ सकते हैं। नए क्षेत्र में जब तक हमारे चीता जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें एस्टेब्लिश नहीं कर जाते हैं, तब तक हम उसको पर्यटकों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन सफारी जो है हमारी शीघ्र ही 180 हेक्टेयर का क्षेत्रफल अभी कंसोर्टिया जी ने बताया कि राज्य सरकार ने हमको दे दिया है, तो उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और उसमें हमारा सफारी भी रहेगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी रहेगा और रिवाइल्डिंग का सेंटर भी रहेगा और बाकी जो हमारे टूरिस्ट हैं उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए एक सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग टूरिस्टों को लाकर इस क्षेत्र का और विकास कर पाएंगे। सर, आगे भी क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे और चीतों की खेप नहीं, और चीतों की खेप अवश्य आएगी। अभी एक भारतीय दल भी साउथ अफ्रीका जा रहा है उच्च स्तरीय, वहाँ पर और चीतों के आने की कब उसकी डेट्स वगैरह शिफ्ट की जाएंगी। और बाकी गांधी सागर का क्षेत्र है, उसमें भी लगभग हमारी तैयारियां पूर्ण हैं, नवंबर के लास्ट तक हमारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद किस प्रकार से बाहर के चीतों को हम लाने के टाइम टेबल फिक्स होगा, उसके हिसाब से वहां भी लाए जाएंगे। ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि लास्ट है, ये तो पहला कदम है, दूसरा, तीसरा, चौथा चलता रहेगा और मध्य प्रदेश की धरती पर और भारत की धरती पर। सर, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद चुनाव बाद चीतों को यहाँ से भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या बात सर, सही है? देखिए, चीतों पर आप फिलहाल चुनाव की चर्चा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि प्रकृति जो है चुनाव से प्रेरित नहीं होती है। चुनाव तो चलते रहते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं, तो चीतों को उसके हिसाब से थोड़ा शूट किया जाएगा। जो भी अधिकारी वही हैं, गांव वाले वही हैं, चीता मित्र वही हैं, तो चीतों के बारे में आप उस प्रकार चिंता ना करें तो बेहतर है। सर, पत्रकार चिंता कर सर, कल जिस प्रकार देखा गया कि आपके खराल क्षेत्र में जो भ्रमण किया गया था, वो कई प्रकार की लापरवाही पाई गई थी, जिसमें पटवारी हो, सचिव हो, निलंबन की भी कार्रवाई की गई है, क्या इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी चलती रही? मन तो करनी चाहिए अधिकारियों। क्या प्रोग्राम था आज यहाँ पे? आज 17 सितंबर 2022 को आज के ही दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाकर
8 चीतों को छोड़ा गया था। आज उसी पल की उन्हीं लम्हों की प्रथम वर्षगांठ है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करके उस याद को पुनः स्मरण करते हुए आज वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर चीता मित्र दिल्ली से विशेष अतिथि और गणमान्य अतिथि की उपस्थिति में आज प्रथम वर्षगांठ चीता छोड़े जाने की मनाई गई है। चीतों को लेके बहुत बड़ी सौगात थी, अपने क्षेत्र का नाम एक विश्व पटल की पृष्ठभूमि पे आ गया था, कयास लगाए गए, बीच में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जो हृदय को झंझोर गईं, देश के विदेशी मेहमान जो आए थे वो यहाँ नहीं बच पाए। अभी क्या माहौल है, चीता सुरक्षित हैं? लोग अभी भी कहते हैं कि चीतों के साथ अभी भी फिटनेस को लेकर कुछ गलत चल रहा है। जब भी कोई जीव एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है तो निश्चित रूप से उसे जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और वही हमारे चीतों के साथ हुआ। वातावरण बदलने के साथ कई प्रकार के संक्रमण और कई प्रकार के आपसी संघर्ष में भी कुछ चीते मारे गए। जब विशेषज्ञों द्वारा उस बात को समझा गया, सभी चीताओं का वैक्सीनेशन करके आज सभी चीता बाड़े में सुरक्षित हैं, और ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से सफल रहा है, क्योंकि ये 75% सफल है। 5 देशों में अब तक यह चीता प्रोजेक्ट विफल हो चुका है, लेकिन भारत में यह सफल है। पालीवाल जी ने बताया कि चीता प्रोजेक्ट सफल है, काफ़ी करीब से ये चीतों को देखते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो विदेशी मेहमान है वो हमारे अब पर्यटकों के लिए भी उनकी दौड़ पर्यटक देख पाएंगे, जो चीते की जो दौड़ के लिए माने जाते हैं कि सबसे तेज़ दौड़ने वाला ये जानवर है, पर्यटक उसका लुत्फ़ उठा पाएंगे।